તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને લેટેસ્ટ વિડિયોની જાણકારી માટે બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો. વેલકમ ટુ વિપુલાસ કિચન ફ્રેન્ડ્સ, આજ હમ દૂધપાક બનાને વાલે હે તો ચલો શરૂઆત કરતે હે. ફ્રેન્ડ્સ, યે જો દૂધપાક મેને બનાયા હે બહોત ટેસ્ટી હે, આપ અપને ઘર પે જરૂર ટ્રાય કરના ઓર આપકે કમેન્ટ ઓર સજાવ મુજે જરૂર દેના. અભી મે 1 લિટર દૂધ લિયા હે ઓર ઉસકો મેને અભી વો બોઇલ હો ચુકા હે તો હમ ગેસ કો સ્લો કર દેંગે. ઓર મેને 3 સે 4 ટેબલ સ્પૂન જીતના राइस है जो आधे घंटे पहले भिगो के रखा था, उसको पानी से हम अलग कर देंगे, पूरा पानी निकाल देंगे और पूरे राइस को हम दूध में ऐड कर देंगे और साथ में हम शक्कर भी ऐड कर देंगे. अभी मैं 4 से 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपने घर के हिसाब से कम माइनस कम ज्यादा कर सकते हो. अभी ये शक्कर और राइस और दूध साथ में उबलने देंगे और राइस को हमको पकाना है. देखिए हमारे राइस पक गए हैं, उसका पूरा कलर भी चेंज हो गया है, तो अभी हम उसमें 2 टेबलस्पून मिल्क मेड ऐड करेंगे. ये ऑप्शनल है पर इससे दूधपाक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है. अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप शक्कर थोड़ा ज्यादा कर सकती हो. 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर और 4 टेबलस्पून जितनी बादाम की कतरन ऐड करके मिक्स करके तुरंत हमको गैस बंद कर देना है, ज्यादा कुक नहीं करना है. देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा दूधपाक कितना गाढ़ा है. अभी हम उसे सर्व कर रहे हैं. अभी दूधपाक गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी, इतना अच्छा लगता है तो हम ठंडा भी सर्व कर सकते हैं. दूधपाक में जो राइस होता है वो कभी किसी को नहीं भी अच्छा लगता है, तो अगर आप इसी तरह से दूध के साथ में शक्कर डाल के आप कुक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और जिस लोगों की कंप्लेन है उसको नहीं अच्छा लगता है वो भी पूरे होश से खाएंगे और खुश हो जाएंगे. तो आप इसी हिसाब से अपने घर पर ट्राई करना, जरूर बनाना. थैंक यू फ्रेंड्स.